नमस्कार, इस वक्त पंजाब का केसरी पहुंचा है प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में एमएसएमई का इंटरनेशनल समिट चल रहा है। आप जिस तरीके से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि करीब 9 साल से ये एमएसएमई का प्रोग्राम प्रगति मैदान में कराया जाता है और इसका आज दूसरा दिन है। यहाँ पर जो एमएसएमई है उसके बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है। इसका मतलब है कि जो छोटे जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई को बनाया गया है और एमएसएमई लगातार छोटे उद्योगों को लगातार बढ़ावा दे रहा है ताकि वो व्यापार करें और एक छोटे स्टार्टअप के साथ बढ़े और लगातार इसमें केंद्र सरकार उनकी सहायता करेगी। और एमएसएमई के जो चेयरमैन है वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। इसके साथ ही कई यहाँ पे रशिया का आज दूसरा दिन है तो 14 या 15 टीमों का एक डेलीगेशन भी रशिया से आया है, जो आपको स्टार्टअप में जब आप कोई नया स्टार्टअप करते हैं तो आपको जो पेमेंट होती है और जो लोन सर्विस होती है वो आपको कम इंटरेस्ट पर मुहैया कराएंगे और इसको लेकर के डील भी हो सकती है। इस तरीके की आज बातें चल रही हैं मीटिंग में, जो भी बातें होंगी वो हम आपको बताएंगे। बहरहाल इसके साथ ही यहाँ पर करीब 300 स्टॉल्स लगाए गए हैं प्रगति मैदान में और साथ ही जम्मू कश्मीर जो कि स्टेट पार्टनर के तौर पर है और मध्य प्रदेश जहाँ से सबसे ज़्यादा नई स्टार्टअप के लिए नए लोगों को जोड़ा जा रहा है। और लगातार कल इस प्रोग्राम में जिस तरीके से मनोज सिन्हा ने शिरकत की थी और उन्होंने इस पूरे जम्मू कश्मीर में इस सेक्टर से एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से किस तरीके से वो छोटे लघु उद्योगों को जोड़ रहे हैं, लोगों को जुड़ने के लिए वो बढ़ावा देने के लिए लगातार वो कह रहे हैं कि आप जम्मू कश्मीर आइए और वहाँ पर आप अपना व्यापार करें, इसके लिए सरकार आपकी पूरी तरीके से सहायता करेगी। इसी तरीके से हमारे साथ जो जम्मू कश्मीर से जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, देखिए जम्मू कश्मीर का एक अलग से स्टॉल्स भी बनाया गया जिसका पवेलियन स्टॉल्स कश्मीर पवेलियन स्टॉल करके एक स्टॉल बनाया गया है, जो आप देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ जम्मू कश्मीर की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी। उसी में से एक स्टॉल इनका है जो मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर से। इन्होंने भी ड्राई फ्रूट जम्मू कश्मीर में, देखिए ड्राई फ्रूट्स का काम और ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जाने जाते हैं वहाँ के और जिसको लेकर के बहुत वहाँ के जो सेब है उनकी खूब चर्चा होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर व्यापार करने के लिए एमएसएमई से जुड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट के जो है एमएसएमई के पार्टनर आए हैं, आइए उनसे बात करेंगे। सर कैसे आप यहाँ पर प्रगति मैदान में आए? जी यहाँ पे आने से हम बहुत खुश है कि एमएसएमई हमें इतनी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमारी बाहर से मीटिंग थी हैदराबाद में, तो मैं बेसिकली बनिहाल डिस्ट्रिक्ट रामत से आया हूँ, तो इसमें हमें बहुत सपोर्ट मिलती है मार्केटिंग की। क्योंकि सबसे मसला जो होता है जैसे नए स्टार्टअप करते हैं तो उसमें दिक्कत जो आती है वो मार्केटिंग की आती है, क्योंकि लास्ट में आपको पता ही है कि मार्केट होगी तो आपका बिजनेस बिल्कुल सर रन करेगा। के आने से बदलाव हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर अब बदल गया है और वहाँ पर अब नए नए स्टार्टअप हो रहे हैं, नए नए एमएसएमईज को जोड़ा जा रहा है, जो छोटे छोटे लोग हैं उन्हें व्यापार की ओर आकर्षित किया जा रहा है, तो उससे कुछ विकास हो रहा है? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि एलजी साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और मैं अपनी डीसी साहब की बात करूँ, डीसी रामन, उनका मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और वहाँ के एसडीएम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है तो हमें बहुत सपोर्ट करी है और हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं 24/7 हमें सपोर्ट करती है। तो एमएसएमई मैंने आज फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी हमें सपोर्ट मिलेगी, तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। सर हमारे साथ जो स्टॉल्स में मौजूद थे जम्मू कश्मीर के स्टॉल्स में, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार उनका पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, मनोज सिन्हा की निगरानी में किस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर का जो है विकास हो रहा है। और आपको याद होगा कि कभी जम्मू कश्मीर में इस तरीके की चीज़ें होती ही नहीं थी। एमएसएमईज आप वहाँ पे भूल जाइए, जिस तरीके के वहाँ हालात होते थे, बमबाजी और ये सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी, लेकिन आप एक समय आ गया है कि 4 साल बाद जब 370 को हटे हो गए हैं और इसके बाद एमएसएमई की बातें जम्मू कश्मीर में हो रही जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। इसका मतलब है कि आप या हम बड़ी आसानी से ही वहाँ पर व्यापार शुरू कर सकते हैं एक छोटे व्यापारी के तौर पर और सरकार पूरी तरह से आपकी सहायता करेगी। इसके साथ ही इंटरनेशनल तौर पर 18 लोगों की टीम काम कर रही है जो बाहर का बिजनेस करना चाहता है, यानी जो भारत से बाहर भी बिजनेस करना चाहता है वो लोग उसमें हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो देश के अंदर है उसमें करीब 24 से 25 लोगों की टीम है एमएसएमई की जो उनकी हेल्प कर रही है कि आप व्यापार करेंगे तो आपको उसमें क्या स्टेप होंगे, कैसे आपको बढ़ावा मिलेगा और उस समय क्या दिक्कतें आएगी, उसके लिए सरकार आपके साथ किस तरीके से सपोर्ट करेगी। तो इस पूरे कार्यक्रम का जो मकसद है वो एक तो
भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरा एमएसएमई जिस तरीके से जो लघु उद्योग हैं, जो लघु छोटे व्यापारी हैं, उनको एमएसएमईज के अंदर लाकर उनको एक नए स्टार्टअप की ओर बढ़ाना, और एक छोटे स्टार्टअप से लेकर वो बड़े स्टार्टअप की ओर बढ़ने का पूरा प्रोसेस इस प्रोग्राम में बता रहे हैं। Have we found a solution to that? That's my first question. And my second question is that how easy is going to be going forward as far as rupee and ruble trade is concerned? Because after all, when MSMEs go to Russia or when Russian businesses they set up here, it is going to be ruble versus rupee. So I would want you to first of all speak about how much inroads we have made so far in terms of the bilateral trade, especially with regard to MSMEs. And second is, sir, as to what is the situation on the Vostro account problem that was being faced, especially after the Russia. और जिस तरीके से रजनीश गोयनका है, वो लगातार उनकी ही निगरानी में पूरा प्रोग्राम हो रहा है, वो चेयरपर्सन है एमएसएमई के, लगातार उनकी निगरानी में ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है और उनकी अहम भूमिका रही है इस पूरे प्रोग्राम में। 9 साल से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है लगातार। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एमएसएमई की कितनी कंपनियां यहां पर पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए, हर साल यहां पर नई नई कंपनियां आती हैं और वो स्टॉल्स लगाती हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, आपको बिजनेस के बारे में अट्रैक्ट करने के लिए वो पूरा प्रोसेस आपके लिए हेल्प करते हैं ताकि आप स्टार्टअप कर सकें। तो देखिए, बहुत अच्छा मौका है कि कोई भी आम व्यक्ति किस तरीके से स्टार्टअप करे, वो प्रगति मैदान विजिट कर सकता है और इन सारी चीज़ों की शुरुआत, देखिए आप अगर कहीं भी जॉब करते हैं तो आप वहाँ पर अपना स्टार्टअप नहीं कर पाते हैं, लेकिन सरकार यहाँ आपको मौका दे रही है कि आप छोटे से स्टार्टअप करिए, उसमें आपको 50 से 60 लाख का लोन भी बड़ी आसानी से रशिया का जो डेलीगेशन है, वो जो बैंक है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वो आपको देंगे और कम जो है लागत पर, कम इंटरेस्ट पर आपको लोन मुहैया कराएंगे ताकि आप अपना व्यापार कर सकें और आप आत्मनिर्भर बने। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं अनुज यादव, पंजाब केसरी।